हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अचिंत अजरा। आज के प्लेनियर आर्ट टूर में आप देखेंगे इंटरेस्टिंग स्पॉट, उस स्पॉट को कैसे कैप्चर करना। उससे पहले मैं थोड़ा सा मार्केट का कुछ व्यूज पॉइंट दिखाऊंगा। यहाँ पे लोकल मार्केट, तो यहाँ पे हर तरफ कंपोजिशन है, काफ़ी खूबसूरत है, उसे कवर करूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको किस तरह से ऑन द स्पॉट कैसे काम करना है, कैसे लोकेशन को कैप्चर करना, वो सब बातें मैंने बताया, शेयर किया। उसके साथ एक लाइव डेमो जो भी फर्स्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं फटाफट। थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू सो मच। फिर से एक बार निकल पड़े प्लेन एयर की ओर। तो मेरे साथ अंतरदीप। हाय। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ लोकेशन एंड वहाँ का कुछ पेंटिंग बना के दिखाएंगे। ये জলের ছবিগুলো আজ গরম করে নিচ্ছি। तो चलते चलते रास्ते में एक मार्केट पड़ता है, ऐसे छोटा सा मार्केट, मच्छी मार्केट एंड कुछ वेजिटेबल्स। तो मैं वो भी थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो फीस वगैरह काफ़ी अच्छा मिलता है। ये इलिसा पॉम्पलेट कटला, कटला एंड रू। कत कर देखो चिंगड़ी 600 झिंगा। अरे ना रे, तो कितना स्वीट मार्केट देखिए। यहाँ पे रेडी हो रहा है फीसेस, एकदम कढ़ाई में जाने का है। तो ऐसे हमें ओपन आईज में फ्लैट लोकेशन मिलता है, तो हम इस तरह से गत्ता के ज़रिए इसे इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि कहाँ से कहाँ तक ये क्रॉप करेंगे, कुछ इस तरह से। तो बीच बीच में मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ, जो भी फ्रेम मुझे ठीक ठाक लग रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो लोकेशन था उसे किस तरह से, मतलब जो मुझे जैसा अच्छा लगेगा उस वहाँ से मैं क्रॉप करूँगा। तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल में, मान लो कि एरिया वर्टिकल में मुझे अच्छा लग रहा है, या हाइट में कुछ सामान है, तो आप इस तरह से वर्टिकल में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लोज अप जाना चाहूँगा। बस सरकार घर दे दो। तो यहाँ पे इसे अब वर्टिकल में इस तरह से ले सकते हैं। बोले दे अंतर्दीप की अच्छा। ओके, तो ये एक तालाब है, स्पॉन्ड और कुछ कॉम्प्लेक्स यहाँ पर भी है, थोड़ा सा टॉप व्यू। तो इसे भी हम क्यों ना इस तरह से फ्रेम करके देखें। तो या तो पूरा कॉम्प्लेक्स के साथ आप फ्रेम कर सकते हैं, या किसी एक लोकेशन को, किसी एक कॉर्नर को भी कर सकते हैं।
सब्जेक्ट जब भी कुछ इस तरह से होता है तो कोशिश कीजिए कि उसको लैंडस्केप मोड में रखें, और सब्जेक्ट जब आपको खड़ी में हो जाता है उसको पोर्ट्रेट मोड में रखना है। तो यहाँ पे मैंने लोकेशन को क्रॉप किया है, तो किस तरह से मैंने क्रॉप किया थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये वाला लोकेशन है, तो जैसे कि ये लोकेशन है घंटा के पॉज पर, तो ये कार्ड है। तो यहाँ पर मैंने ये जो सामने आप देख पा रहे हो इस लोकेशन को मैंने कैप्चर करने की कोशिश किया, तो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर क्लिक भी मैंने कर लिया, तो कुछ इस तरह से इस एरिया को मैं पेपर थोड़ा बड़ा है, लाइक A2। तो थोड़ा सा फास्ट मोड में कर लेते हैं अभी, फिर इसके बारे में थोड़ा बातचीत हम आगे जाके करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इस तरह से कंपोज किया मैंने, सामने का लोकेशन है, बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है, काफ़ी खूबसूरत है। मैं यूज़ कर रहा हूँ A2 साइज पेपर ब्लॉक, जो कि बाउंग एकेडमी का है। एक बढ़िया फिगर चल रहा है, उसे कैप्चर कर लेते हैं फटाफट। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है, ऐसे फिगर पिच में आता रहता है। तो इसे आप देखिए, एंजॉय कीजिए किस तरह से फास्ट वॉश कर रहे हैं, और उसके बाद कलर। चलिए देखते हैं।
फ्रेंड्स, अभी अभी मेरा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ का जो व्यूअर्स काफ़ी अच्छा ऑडियंस के साथ हम काम कर रहे हैं। और ये मेरा पेंटिंग जो कि अभी भी कंप्लीट हो चुका है, और ये जो स्पॉट यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था, तो मेरा जो पेपर साइज है A2 है, काफ़ी बड़े पेपर है, A3 का भी ऊपर है, तो 20x15 काफ़ी अच्छा लोकेशन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस लोकेशन का, पेंटिंग कर सकते हैं। इन्हीं के साथ मैं दिखाना चाहूँगा, हमारे साथ अरुण मेटिया है, देन अनिता, अंतरदीप। इतनी गर्मी है, बट ये जो आज जो है ना छाया मिला आम का पेड़ का, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी मज़ेदार है। तो यहाँ पे अरुण मिटिया है, निशा एंड सरोज दादा, केले के पेड़ बहुत दूर जो आप देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छा। दादा ने और एक पेंटिंग कंप्लीट कर ली है, तो ये जो एनर्जी है आप देख सकते हैं, मतलब अपने आप को कैसे आप तैयार करना है वो बहुत बड़ी बात होता है एक आर्टिस्ट को। थोड़ा सा पकड़ लीजिए, नहीं तो दादा, हाँ ओके। तो देखिए एक ब्यूटीफुल पेंटिंग आप देख सकते हैं सौरभ दादा का, जो कि इन्होंने इस लोकेशन से कैप्चर किया है, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सर। यहाँ पे अंतरदीप थोड़ा सा ट्राई किया है, सेम लोकेशन। तो हमारे साथ जो भी आर्टिस्ट आते हैं अंडर गाइडेंस में काम करते हैं, तो यहाँ पे कोई ओपन है, बिल्कुल फ्री है बिल्कुल, तो कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी आसपास से आप लोग ब्लॉग देख रहे हो, कभी भी हमारा मंगलवार और शुक्रवार, मतलब ट्यूसडे एंड फ्राइडे को हम आउटडोर जाते रहते हैं, तो अब हमारे साथ जुड़ सकते हैं, थोड़ा सा हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके, हमारे ग्रुप से आप टाई अप करके आप टाइमिंग ले सकते हैं और लोकेशन भी ले सकते हैं। फिर से एक बार मैं अपना पेंटिंग दिखा देता हूँ, और इस पेंटिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा अपना विचार रखने की कोशिश करूँगा अभी, जो कि रिव्यू। तो वाकई ये स्पॉट है काफ़ी ब्यूटीफुल, और उस ब्यूटीफुल में पता नहीं ये जो मुझे लेफ्ट साइड में जो नेट एंड नेट के ऊपर जो वो जो पौधा लगा हुआ है यहाँ पे, वो एक बीन्स है जो सीम बोलते हैं, उसका पौधा लगा हुआ है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश किया, हालांकि जो फोकल पॉइंट था राइट साइड में, वो दूर जो घर है उसके ऊपर लाइट आ रहा था, जो फिगर्स के पीछे जो लाइट वो देख पा रहे, और वहाँ से ही कुछ एक्टिविटी रोड होने के कारण बहुत सारे यहाँ पे एक्टिविटी हमें देखने को मिला सुबह से लेकर के, लोग चलना आना, काफ़ी यहाँ का जो लोग है काफ़ी अच्छे है बहुत, और काफ़ी मज़ा आया इनसे बात करके यहाँ पे। और ये अच्छी बात है कि मेरे घर से बहुत दूर नहीं है, हार्डली 2.5 किलोमीटर होगा, तो और एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे आज दूसरा दिन आए हम, इससे आगे भी एक पेंटिंग कर चुके हैं इस एरिया में, तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है। एक ही स्पॉट में 2-3 कंपोजिशन बन सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो सरदा कर ही रहे और अरुण मेटिया कर ही रहे, नॉन स्टॉप आर्टिस्ट है, इनको ये भूल गया, भूख खाना पीना सब भूल चुके हैं और इसके साथ काम करे जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, इतने देर अगर आप इस चैनल पे बने हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो यूट्यूब एल्गोरिदम आपको सर्चिंग में जो भी अच्छा जो भी बेस्ट हमारे पेंटिंग है, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको जरूर शेयर करता है यूट्यूब। और थैंक यू सो मच, इसी के साथ टाटा करते, मिलते हैं नेक्स्ट कंपोजिशन के साथ।